हेलो बच्चों, सॉल्यूशन रेडी होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, कुछ जगह फंसे होंगे, कर लिया बहुत अच्छी बात है, फंसे तो मेरे साथ इसको देखें इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है 33 1/3% ऑन सेल। पहले तो इसको समझो, कुछ कई सारे बच्चों को दिक्कत होता है। 33 1/3% का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा बचपन में कि इसको हम अगर सिंपल में लेकर आए तो कैसे करेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर वाले को प्लस करना होता है। याद करो बचपन में जब चौथी पांचवी क्लास में थे, आपके छोटे सर ने समझाया था। तो 33 3 99 और प्लस 100 / 3, 100/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, मतलब डिवाइड बाय 100 आपका। फिर याद करो, इस 3 को आप नीचे लेकर आएंगे तो ऊपर में क्या रह गया, 100, और ऊपर में जो डिवाइड है नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा जब आप साइड को या आप चेंज करते प्लेस को तो उल्टा करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 × 3 यानी कि 100 × आपका 3 हो गया। ये 100 100 कैंसिल हो गया, ऊपर में रह गया 1, तो क्या आ गया, 1/3। इसका मतलब है 33 1/3% ऑन सेल हमेशा किसके इक्वल होगा, 1/3 ऑन सेल के। समझ रहे हो, 33 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो 1/3 ऑन सेल अगर है, ऑन सेल तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा बच्चे, प्रॉफिट अगर आपका 1 रुपया है और कहता है कि सेल आपका कितना है जी, 3, तो ठीक है सेल हमारा 3 है, प्रॉफिट अगर इसमें आपका 1 है तो कॉस्ट कितना रहा होगा, 2 रुपीज। इसका मतलब कि प्रॉफिट जो आपका होगा वो 1/2 ऑन कॉस्ट होगा। कॉस्ट पे पूछ रहा था 1 प्रॉफिट, जब कॉस्ट कितना, 2, बट क्योंकि वो परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज को पता करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हमेशा आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा जी, 250, यानी कि 50%। जब परसेंटेज में पूछेगा तो क्या कह देंगे, 50%, और अगर ऐसे पूछेगा तो क्या बोल देंगे, 1/2, मीनिंग सेम है, 1/2 यानी कि आधा, 50 यानी कि आधा। बात समझ में आ गई, यस सर। अगला क्वेश्चन, सेल्स आपका है, इस बार ग्रॉस लॉस दिया है मेरे बच्चे, मतलब जो गुड्स बिका है प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है। तो सुनो ना, लॉस आपको 2 रुपीज का होता है जब कॉस्ट आपको 9 रुपीज का। तो सोचो, कॉस्ट अगर आपका 9 रुपीज है और लॉस जो आपको है, ग्रॉस लॉस अगर वो 2 रुपए का होता है तो आपका सेल कितने का हुआ होगा, जरा सोचो। जल्दबाजी नहीं है, आप छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे हैं, इन सब बातों को ध्यान से समझना है। एग्जामिनर जब एग्जाम में क्वेश्चन बड़े बड़े बनाता है तो इन्हीं में फंसाता है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया बनाने में इसको 9 रुपीज लगा, 9 रुपए हमें इसमें कॉस्ट लगे हैं, 9 रुपीज कॉस्ट लगा, लेकिन जब सेल किया तो 2 रुपए का लॉस हो गया। तो 9 रुपीज में बनाऊं, 2 रुपए में लॉस हुआ, तो सेल कितने में हुआ होगा, 7 रुपीज में अनडाउटली। अरे 9 रुपीज में बनाता हूं लेकिन बेचा तो 2 रुपए का लॉस हो गया, तो सेल तो 7 में होगा ना, तभी तो 7 रुपए में बेचूं, 9 का कॉस्ट, 2 रुपए का लॉस होगा। अब निकाल लो ना फटाफट, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ग्रॉस लॉस 2/9 ऑन कॉस्ट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा जी, ग्रॉस लॉस 2/ सेल कितना, 7 ऑन सेल हो जाएगा, 2/7 ऑन सेल आपका। तो आप जरा बताइए, आपको ग्रॉस लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, सेल वाले पे 2/7 यानी कि 7 लैक्स का आपका 2/7 कितना आ गया आपका, 2 लैक्स का अमाउंट, ठीक है ना। या दूसरा तरीका अगर जानना चाहो तो मैं वो भी तरीका बता देता हूँ आपको, ये चेंज नहीं करना, सिंपली 7 लैक्स यहाँ लिख देना। अब बताओ ये 7 लैक्स सेल है ना, तो इसमें सेल कौन सा है, 7, जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करते हैं। जो आपको निकालना है, लॉस निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 2 लैक्स आएगा, आपकी मर्जी है कन्वर्ट करके ऐसे, ठीक है। ये सर ग्रॉस प्रॉफिट कहता है 1/7 ऑन कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट ही बता रहा तो बोलता है कि सेल कितना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेल निकालना ना, यहाँ कॉस्ट पता है, रेशियो को लेकर आइए, 1 का प्रॉफिट जब कॉस्ट 7। तो सोचो जब कॉस्ट आपका 7 है एंड प्रॉफिट अगर आपका 1 है तो सेल हमने कितने में किया होगा, 8 रुपीज में। निकाल लो डायरेक्टली 5 लाख रुपीज यहाँ लिख दो, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 1 के बराबर, जिसके बराबर उससे डिवाइड, जो निकालना है सेल निकालना है तो 8 से कर देना, कॉस्ट निकालना हो तो 7 से कर देता, क्या दिक्कत आपका है। तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा लगभग इतना 0.22 व्हाटएवर, ठीक है ना। ये भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है, ओपनिंग स्टॉक कहता है 50,000 मोर देन क्लोजिंग, तो ओपनिंग कितना? हमने कहा कि भैया ये तो बहुत सिंपल है, अगर क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है और ओपनिंग कहता है कि इससे 50,000 ज्यादा था तो 350 रहा होगा, इसमें थोड़ा कोई दिक्कत है। लो ये भी सीरीज हमारा खत्म हुआ। अगली सीरीज में और टफ बातों पर लेकर आऊंगा। अभी अगले सीरीज में मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बहुत सारी कहानियां हैं उनको बताऊंगा और पता नहीं और क्या क्या। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप फंसो और हमारी सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी लेवल को और टफ करूंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाऊंगा थ्योरी में चाहे प्रैक्टिकल में जो कभी आपने सुना तो होगा बट समझने की आपने कोशिश नहीं की होगी। हम देखेंगे उन सब चीज़ों को। आज तो बस इतना ही। जिनका सही है उनको खूब सारी शाबाशी, बहुत सारा प्यार। जिनके गलत है उनको भी टेंशन नहीं करना, वो भी सीख चुके आगे सही रहेंगे। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू।